नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ खा पी कर एकदम तंदुरुस्त हो। और पंकज भाटी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग आ रहा है, आई नो, उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि थोड़ा नहीं कंसिस्टेंट रह पाया। बट ये व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये व्लॉग में हम लोग जा रहे एक आध्यात्मिक शहर MP का, जो सभी जानते हैं, उज्जैन। उज्जैन नगरी हम लोग जा रहे हैं, और जो कि कालिदास की नगरी भी कहा जाती है। राजा विक्रमादित्य जी की राजधानी रहा करती थी। और बहुत ही, जितना कहे उतना कम है उज्जैन के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में है। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये ट्रिप मैंने ऐसे ही, मुझे पहले एक अलग ट्रिप मैंने प्लान किया था, उसका भी ब्लॉग आएगा। बट उसके पहले कहीं ना कहीं ठीक है ना कि भाई श्रावण का पावन महीना आ रहा है और ऐसे इसमें महाकाल बाबा के दर्शन हो जाए तो भाई और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो हम लोग ने महाकालेश्वर ट्रिप प्लान किया और हम लोग का कुछ 10:47 का ट्रेन था। सो देखिए, अभी यहाँ से ये जो वीडियो है तुम लास्ट एंड तक ज़रूर देखना, जो कि हम लोग का कैसे हम लोग ने 15-16 पॉइंट जो है, मतलब प्लानिंग किया था 18-19 पॉइंट्स का, बट 15-16 पॉइंट जो है 1.5 डेज में हम लोग ने कम्प्लीट कर दिए और बहुत ही मज़ा आया। सो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। सो चलिए शुरू करते हैं अपन सूरत टू उज्जैन का सफ़र। सो हम लोग का सूरत से जो ट्रेन था 10:47 का, जो कि पुणे दौंड इंदौर एक्सप्रेस है, वो गाड़ी का नंबर है 22943। काफ़ी डिटेल है क्योंकि उससे आना जाना होता है बहुत बार कल्याण से सूरत का। सो वो गाड़ी 10:47 सूरत आती है और वहाँ से हम लोग को मॉर्निंग में नेक्स्ट डे 6:35 तक उज्जैन पहुँचा देती है। और उज्जैन पहुँचने के बाद हम लोग ने जैसे स्टेशन से बाहर आए हम लोग, वहाँ पर एक बड़ा सा एक भोलेनाथ का एक पिंड है, शिवलिंग है, और एक रेस्ट रूम जैसा बनाया हुआ है। तुम वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, लॉजिंग एंड सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग स्टेशन से बाहर आने, एक अलग सी वाइब जो है वहाँ पे आ गई। मीन्स कुछ ना स्पिरिचुअल पावर, एक तो यार इतने भोलेनाथ साक्षात वहाँ पे, तो भाई स्पिरिचुअल पावर और अलग वाइब्स तो आने ही थे। सो हम लोग यहाँ पे सूरत से वहाँ पे उज्जैन पहुँचे मॉर्निंग में 6:35, और देन वहाँ से एक ई रिक्शा हम लोग ने पहले से बुक किया हुआ था। हम लोग के जो कलीग हैं उनके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी, सो उनका ई रिक्शा तो हम लोग ने बुक कर लिया था। देन हम लोग को भाई, हम लोग को स्टेशन लेने आए थे, देन वहाँ से हम लोग गए कुछ 900 या 1 किलोमीटर कुछ पास में है वहाँ से महाकालेश्वर। सो वहाँ पे धर्मशाला वगैरह बहुत ही अवेलेबल है जहाँ पे तुम अपन स्टे कर सकते हैं। सो हम लोग फाइनली 6:35 को उज्जैन पहुँचे थे, बट हम लोग को होटल रूम धर्मशाला जो है तो वो ढूंढने में लेट हो गया। सो हम लोग 8 बजे वहाँ पे होटल रूम हमको मिला और वहाँ से हम लोग रेडी होकर 9 बजे तक बाहर निकले, वहाँ से 9:45 कुछ तो, और वहाँ से निकले हमारे महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए। सो श्रावण का महीना बोलेगे तो इतना रश था, और मीन्स भोले बाबा पूरे प्रसन्न ही थे हम पर। सो हम लोग गए, पहले तो वहाँ पे नए नए थे तो पता नहीं कौन से रूट से जाना है, सो अलग अलग घूमे थोड़ा, और वहाँ से फिर हम लोग लाइन में लग गए। कुछ 1 घंटा लगभग हमको लगा लाइन में दर्शन के लिए, बट 1 घंटा जो था ना, 1 या 1.5 घंटा जो भी था, बहुत वर्थ था भाई, वर्थ, क्योंकि श्रावण का महीना, महाकालेश्वर के दर्शन और उसमें महाकाल की आरती मिल जाए, भाई हम तो धन्य हो गए। सो इतना अलग ही ऐसा एक करंट, एक बोल सकते एक वाइब जो है ना, बहुत ही खतरनाक वाला एक पॉजिटिव वाइब जो थे वो अंदर थे, क्योंकि वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह अलाउड नहीं थे, बट थोड़े क्लिप्स मैंने लिए थे और वो बंद किया मैंने क्योंकि आरती का आनंद लेना था। सो आरती जैसे चालू हुई, अलग ही एक ऐसा पावर करंट ऐसा दौड़ रहा था और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बोल नहीं सकते कि भाई क्या, कुछ नहीं सूझ रहा था, बस महादेव दिख रहे थे। सो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। फिर हम लोग दर्शन करके बाहर निकले वहाँ से, अलग अलग मंदिर से वहाँ पर, नौ ग्रहों का मंदिर वगैरह है, गणपति जी का मंदिर है, सो सब मंदिर के हम लोग दर्शन वगैरह किए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर निकाले, बहुत ही मज़ा आया। सो महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद वहीं से बाहर निकलते वक्त एक बड़ा गणेश मंदिर करके है, जहाँ पे गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तुम देख सकते हो वीडियो में, इतनी बड़ी मूर्ति है। और ऐसे माना जाता है कि वो जो मूर्ति है उसे बनाने के लिए 7 नदियों का पानी और 7 नदियों की जो माथी हम जिसे कहते हैं वो यूज़ की हुई है और उसे बनाने के लिए। और उस वहाँ पे भी उसी मंदिर में अंदर पंचमुखी हनुमान है और अलग अलग देवी के मंदिर वगैरह है, कृष्ण भगवान है वहाँ पे, अच्छा खासा मंदिर है, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा मूर्ति वहाँ पे है। सो जैसे कि हम सबको ही पता है यार, कोई भी काम की शुभ घड़ी करनी हो तो बाप्पा के दर्शन से ही करते हैं। सो हम लोग पहले बाप्पा, पहले महाकालेश्वर जी के दर्शन करके आए, देन हम लोग गणपति के दर्शन किए,
दिन वहाँ से हम लोग फिर से रूम पर गए, थोड़ा चेंज वगैरह किया, लंच वगैरह किया। उसके बाद बड़ा गणेश जी गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले। वहाँ के आसपास बहुत मतलब प्लेसेस है, लाइक हरसिद्धि माता मंदिर है, विक्रमादित्य बत्तीसी करके वहाँ पे एक पैलेस टाइप है, और चार धाम मंदिर है। बट क्या हुआ था कि हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, सो हम लोग वहाँ से जल्दी निकलने का ट्राई किए। सो वहाँ से हम लोग दोपहर तक निकल गए थे, बड़ा गणेश जी के दर्शन करके, देन वहाँ से लंच वगैरह करके हम लोग निकल गए। सो हम लोग वहाँ से गए गढ़कालिका माता मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना है, कहा जाता है वो महाभारत के पर्व का वो मंदिर है, लेकिन उसके जो माता की स्थापना है वो सतयुग के पर्व में की गई थी। और उसके बाद वहाँ पे मैं हज़ारों दिन के हज़ारों लोग बोल सकते हो तुम वहाँ पे दर्शन के लिए आते हो। और बाहर ऐसे तुम देख सकते हो बड़े दो स्तूप है जहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाता है, बहुत ही बड़ा ऐसा मंदिर है वो। सो गढ़कालिका माता के हम लोग ने दर्शन किए, देन वहाँ से हम लोग गए भरतहरी गुफा करके है, केओस जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा ही एक भरत जो राजा भरत थे, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई, उनका वो गुफा है वहाँ पे, कहा जाता है कि। सो जैसे ही हम लोग भरतहरी गुफा के लिए अंदर जाते हैं तो फर्स्ट एक बजरंग बली जी का बड़ा मूर्ति है, और वहाँ से हम लोग एंटर जाते हैं तो वहाँ पे दो गुफा है, तो दोनों गुफा में जो है वो शिवलिंग है वहाँ पे है, और बहुत ही अच्छा खासा मतलब वेल मेंटेन है अभी तक, तो बहुत ही बढ़िया हुआ रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन अंदर जो है वो काफ़ी मतलब बोलते हैं ना एक नैरो रास्ता जो है, मतलब छोटा रास्ता है, बट मैं जब जा सका मतलब तुम आराम से जा सकते हो। सो बहुत ही बड़े गुफा है अंदर, और जो सेकंड वाला गुफा है वहाँ पे इधर हम लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इतना मीन्स लाइक एट अ टाइम दो जन ही जा सकते हैं। सो वहाँ पे भी शिवलिंग जी के हम लोग दर्शन वगैरह करके आए, बट क्या हुआ ना वहाँ पे वीडियोस नहीं ले पाए। सो जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जाओ तो भरतहरी गुफा जो है वहाँ पे ज़रूर जाना, और दो जो गुफा है दोनों के अंदर जाना। सो उसके बाद हम लोग गए कालियादेव पैलेस, जो कि एक ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है उज्जैन में से, जो कि 1458 में मांडू के जो सुल्तान थे उन्होंने बनाया। विशाल ऐसा पैलेस है, और पिंडारियों की वक्त में उसे जो है पूरा उध्वस्त कर दिया था, बट 1920 के वक्त माधवराव सिंधिया जो थे ग्वालियर के राजा, उन्होंने उसका बोल सकते हैं रिनोवेशन और उसे वेल मेंटेन रखा, और काफ़ी विशाल ऐसा पैलेस है, बहुत ही बढ़िया है। और उसके पीछे मस्त एक शिप्रा नदी जो है वो जा रही है, उसका घाट है, सो काफ़ी मस्त क्लाइमेट वहाँ का है। अंदर एक सूर्य मंदिर है, तो बट आजकल के जो यूथ है ना, कोई तो है जो काफ़ी उसे प्रोटेक्ट या फिर ऐसी चीज़ों को जो है हमें मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें हिस्ट्री जो है हमारा पता होना चाहिए। बट बोल सकते हैं कि उसका भी ऊपर भी एंट्री वगैरह था, बट वो बंद कर दिया किसी कारणों से। सो वहाँ पे हम लोग नहीं गए, सूर्य मंदिर के दर्शन वगैरह किए, देन पीछे नीचे जो घाट है, घाट यानी कि शिप्रा नदी जहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे पानी में थोड़े हम लोग मजे करके रिटर्न आ गए। वहाँ से फिर केडी पैलेस से हम लोग गए थे काल भैरव मंदिर, जहाँ पे जो है दारू का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है ऐसे बोल सकते हैं। बट वहाँ पे हम लोग गए और काफ़ी बड़ा लाइन था, ऑलमोस्ट 2.5 hours लगते। सो हम लोग टाइम बचाने के लिए वहाँ से निकले, और वहाँ से हम लोग गए मंगलनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी बड़ा मंदिर है, और ये जो है एक उज्जैन का या पूरे इंडिया का एक ऐसा मंदिर माना जाता है, जहाँ पे जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी बहुत मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करवाने के लिए। सो मंगलनाथ मंदिर जो है ये भी शिप्रा नदी के तट पर ही लोकेटेड है, और यहाँ पे बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि उज्जैन के सारे मंदिरों में से एक एक्टिव टेंपल जो है इसे माना जाता है, और यहाँ पे सैकड़ों हजारों जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और ये जो मंदिर है इसे मंगल ग्रह का जन्मस्थान माना जाता है एज पर मत्स्य पुराण जहाँ पे बताया, मीन्स ये जो पुराण है हमारे हिंदुओं का जो 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण जो पुराण माना जाता है। और ये जो मंदिर है एक मांगलिक लोग जो होते हैं यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं मंगल निवारण पूजा के लिए आते हैं, और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पे सिर्फ उस पूजा के लिए आते हैं, और काफ़ी प्रचलित जो है वो माना जाता है। और ये जो मंदिर है यहाँ से क्लियर व्यू जो है सभी ग्रहों का जो है मिलता है ऐसा माना जाता है, और जो एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टडी करते हैं उनके स्टडीज़ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन वो प्लेस है। गादीपति जिसे हम कहते हैं वो है महंत राजेंद्र भारती करके है, और बहुत ही विशाल ऐसा मंदिर है, बहुत ही बढ़िया है। सो ये भी एक आपके विशलिस्ट में ज़रूर डालना। सो मंगलनाथ मंदिर के बाद हम वहाँ से गए सांदीपनि आश्रम, जो कि महर्षि सांदीपनि करके जो महान तपस्वी ऐसे ऋषि है, जो कि 18 कलाओं में पारंगत थे, तो उनका एक वो ऐसा आश्रम वहाँ पे है जहाँ पे कृष्णा और बलराम जो है वहीं पे बोल सकते कि बड़े हुए, और उनकी जो विद्या पारंगत है वो वहीं पे हुए।
बहुत ही बड़ा ऐसा मंदिर, और पूरे विश्व में बोल सकते हैं ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पे वो मंदिर के सामने जो नंदी जी जो है, हम हर जगह देखते हैं कि नंदी जो है वो बैठे हुए रहते हैं, बट वहाँ पे जो नंदी जी है वो खड़े हुए हैं। पर एक ही ऐसा मंदिर है और वो एक ही नंदी जी है जो वहाँ पे नंदी जो है वो खड़े हैं। देन वहाँ पे एक अच्छा सा एक बोल सकते हैं कि जहाँ पे कृष्ण और बलराम का मंदिर भी है, देन शिवलिंग भी है, भोलेनाथ का भी वहाँ पे मंदिर, एक बड़ा सा कुंड है जिसे गोमती कुंड जो है वो कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने बनाया हुआ ऐसा माना जाता है। माना जाता है मीन्स उन्होंने ही बनाया, बट उसके और उसके आसपास जो है कृष्ण भगवान की पूरी जितनी कलाएँ थी उनका ऐसा पूरा चलचित्र नहीं मीन्स एक कैसे पेंटिंग्स जो है हम बोल सकते हैं, ऐसे पेंटिंग्स पूरे 64 कलाओं के पेंटिंग्स वहाँ पे लगे हुए हैं। देन उसके अपोजिट में हम लोग जाए तो मतलब लेफ्ट साइड में ही एक मंदिर सांदीपनी आश्रम के अंदर ही लेफ्ट साइड में एक 40 जो कला है, कला या फिर बोल सकते कि जिसमें पैशन हो गया, देन अलग अलग विद्याएं बोल, हाँ 40 प्रकार की विद्या हम बोल सकते हैं, तो वैसा एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है वो भी। बट हर चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि हर जगह पे हम लोग नहीं शूट कर पाए, सो वो नहीं लिया हम लोग ने, बट काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे हम लोग। वहाँ से हम लोग संदीपनी आश्रम के बाद हम लोग गए गोपाल मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रमुख स्थल, यहाँ का आध्यात्मिक स्थल और विशाल ऐसा एक स्थल माना जाता है जिसे द्वारकाधीश भी कहा जाता है, और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इस मंदिर की स्थापना है जो 1901 में दौलत राव सिंधिया जो है उनकी वाइफ बयाजी राव शिंदे इन्होंने की थी। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर का विशेष आकर्षण जो है मूर्ति है वो चांदी की है, सो ये एक विशेष आकर्षण वहाँ का है। और वहाँ का जो रत्न मतलब जो गर्भगृह है, वहाँ का जो रत्न जड़ित द्वार है, वो द्वार जो है दौलत राव सिंधिया जो है उन्होंने गजनी ने जब वो टाइम पे सोमनाथ मंदिर में लूट की थी, वहाँ से वो द्वार जो है यहाँ पे लाया गया, तो सो उन्होंने वो जो द्वार है वहाँ पे गर्भगृह में लगाया, मतलब उसका जो द्वार है वो रत्नजड़ित द्वार वो वहाँ पे है। और वहाँ पे उसी मंदिर में एक साइड में जो है बयाजीराव शिंदे जो है जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी उनकी भी मूर्ति है, और काफ़ी एक अलग से वाइब्स वहाँ पे भी आते हैं। तो वहाँ पे अंदर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी नक्शे काम वगैरह की हुई है, एक विशेष आकर्षण वहाँ का है जो वहाँ पे द्वार वगैरह जो लगे हुए, विशाल स्तंभ वगैरह वहाँ पे है, अच्छा खासा एक वहाँ का जो प्रारंगण है बड़ा एक ऐसा एरिया है, सो बहुत ही मस्त मंदिर है वो भी। और वहीं पे एक बोल सकते कि जन्माष्टमी में जो बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे मनाई जाती है, सो अच्छा खासा हम लोग ने एक दिन में कवर कर लिया था। बट फिर भी हम लोग का अभी बाकी था वो था कि जो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के जो मैंने 3 प्लेसेस बताए जिसमें चार धाम मंदिर था, विक्रमादित्य 32 करके पैलेस जो था, और तीसरा था वो हर सिद्धि माता मंदिर। सो हम लोग के पास अभी एक घंटा टाइम था, और सो हम लोग सोचे कि वो 3 पॉइंट जो वो हम कवर कर लेते हैं। सो हम लोग वहाँ से 6 बजे कुछ निकले, बट हमारा मेन जो था वो था 7:15 बजे की राम घाट की आरती। सो हम लोग वहाँ से निकले और पहले हम लोग हर सिद्धि माता मंदिर गए, वहाँ से तुम देख सकते हो काफ़ी बड़ा ऐसा मंदिर है, राजा विक्रमादित्य जो है वहाँ पे पूजा करने वहाँ पे आते थे। और मंदिर के जो एंट्रेंस हम बोल सकते हैं वहाँ पे 2 बड़े ऐसे स्तूप लगे हुए हैं जो अमावस्या या ऐसे जो दिन होते हैं वहाँ पे अच्छा खासा उसे प्रज्वलित किया जाता है। और जहाँ तक बोल सकते कि हमारे उस दिन बारिश वगैरह थी अच्छी खासी, सो वहाँ पे वो लोग उस दिन नहीं किए, शायद अमावस्या के दिन वो लोग कुछ करते हैं प्रज्वलित करते हैं, सो मैं फोटो डाल रहा हूँ ऐसा कुछ वो मंदिर का जो है लुक वहाँ पे होता है और बहुत ही मस्त लगता है। सो मैंने जहाँ तक सुना है कि जो दो स्तूप है वो 10 मिनट के अंदर दोनों बंदे एक साथ ऊपर चढ़ते हैं, 10 मिनट के अंदर उसमें तेल भर के वो जो स्तूप है वो लगा देते हैं, और बहुत ही लाइक जस्ट इमेजिन कर सकते हो तुम कितना फास्ट और कितना क्विक वो लोग करते होगे। सो बहुत ही मस्त मंदिर है वहाँ पे, उसी के पास में मतलब माता जी का जो मंदिर है उसी के पास में एक मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे एक फोटो लगाया हुआ है जहाँ पे 84 शिवलिंग जो है मतलब 84 शिवलिंग पूरे उज्जैन में है, तो ऐसे बोल सकते विशेष माना जाता है ऐसे 84 शिवलिंग उज्जैन में है। सो ये हम लोग ने अच्छा खासा एक दिन का कवर कर लिया था। और लास्ट हम लोग का था वो था कि गंगा नदी की जैसी आरती होती है वैसी क्षिप्रा नदी की यहाँ पे राम घाट पे आरती होती है, सो मेन हमें वो देखने जाना था, तो कुछ 7:15 बजे वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे तैयारियाँ मतलब थोड़ी देर हम लोग रुके वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि विक्रमादित्य 32 जो है वो और चारधाम टेम्पल ये 2 प्लेस हम लोग से मिस हो गए, मिस मतलब कि नहीं कर पाए हम लोग वो। सो वहाँ से हम लोग गए राम घाट भी बारिश था इसलिए ठीक है, बट बारिश नहीं देता तो बहुत ही अच्छा खासा माहौल रहता है वहाँ पे,
सो वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे शिप्रा नदी के आरती का। सो बहुत ही ऐसा ज़बरदस्त गंगा आरती जैसे ही वहाँ पे आरती होता है और सामने उसी के अपोजिट मीन्स ये साइड आरती होती है शिप्रा नदी की और उसी के अपोजिट नागा साधु जो है उनका अखाड़ा है और वहाँ पे भी सेम आरती चालू होती है। सो बहुत ही मस्त लगता है वहाँ पे वो आरती वगैरह हम लोग अटेंड किए और कुछ 7:15 को कुछ आरती चालू हुई थी कुछ आधा घंटा के आसपास हम लोग वही आधा पौना घंटा हम लोग वहीं पे थे। सो आरती वगैरह हम लोग किए और 9 बजे तक कुछ हम लोग रूम पर आ गए। सो ऑलमोस्ट 11 से 12 प्लेसेस हम लोग एक दिन में कवर कर चुके। सेकेंड डे जो है सेकेंड डे हम लोग का फर्स्ट मोटो था वो था काल भैरव मंदिर जो कि हम लोग ने फर्स्ट डे नहीं किया। सो हम लोग गए रेडी होके मॉर्निंग में हम लोग लेट हो गए थे एक्चुअली क्योंकि थक गए थे सो लेट हो गए और वहाँ से हम लोग गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर जाके जहाँ पे हम लोग को कल लेट होने वाला था लेट मतलब कि 2 आवर्स लगते हैं वहाँ पे हम लोग ने कुछ रश नहीं था सुबह सुबह जल्दी गए थे हम लोग कुछ 6:30 या 7 कुछ चले गए थे। सो वहाँ पे हम लोग गए और काल भैरव जी के दर्शन वगैरह किए। वहाँ पे भी स्तूप लगा हुआ है अच्छा बड़ा स्तूप है वहाँ पे उनके दर्शन वगैरह किए। वहाँ पे मध्य जो है उसका मदिरा का भोग जो है वहाँ पे चढ़ता है। मदिरा अभी बहुत लोगों को नहीं समझेगा बट दारू हम बोले तो सबको समझ जाएगा। सो उनका भोग उनको चढ़ता है और वहाँ पे अच्छे खासे मीन्स श्रद्धालु जो काल भैरव बोलेंगे तो बहुत पब्लिक वहाँ पे आती है और काफ़ी बड़ा मंदिर है वहाँ पे और एक गुफा भी है वहाँ पे एग्जिट के वहाँ पे बट एक्चुअली वहाँ पे कुछ रीज़न बंद कर दिया था वो पता नहीं हमको क्यों। सो हम लोग वहाँ से गए फिर वहाँ पे एक मुखी दत्त मंदिर है जो कि हम लोग हर जगह देखते हैं दत्ता जी के दत्त भगवान के 3 मुख होते हैं बट वहाँ पे एक मुखी दत्त मंदिर है। सो वहाँ पे दर्शन वगैरह किए हम लोग ने दिन हम लोग वहाँ से निकले और जो हमारे पॉइंट लिस्ट में नहीं था और वो वहाँ पे हम लोग गए वो था एक राम मंदिर। भाई राम मंदिर पूरे वर्ल्ड का ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी जो है उनकी मूछें थी ऐसा कहा जाता है कि वनवास से रिटर्न लौटते वक्त भगवान श्री राम जो है वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके हुए थे और उनका उस मंदिर की ये खासियत है कि उनका जो लेफ्ट पैर है वो ऐसे उत्तर दिशा में दिखाया हुआ है कि भगवान घर की तरफ लौट रहे करके। सो इतनी खुशी मिली ना एक्चुअली सीन ये था कि वहाँ पे हम लोग गए ना तो वहाँ पे बहुत कम पब्लिक को वहाँ पे पता है और जिनको पता है वही लेके जाते नॉर्मली ऐसे जाते नहीं है लोग वहाँ पे और मंदिर भी नहीं खुला था बट हमारा नसीब अच्छा था कि वहाँ पे माजी जो थे उन्होंने हमारे लिए डोर खोला और वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमसे शेयर की हमें पता नहीं था उनको भी नहीं पता था। सो जो कहीं ना कहीं रामायण तुमने देखा होगा तो शबरी माँ जो है वैसा जो एक सीन है कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा वाइब्स हुआ। सो बहुत मस्त लगा वहाँ पे श्री राम भगवान के हम लोग ने दर्शन वगैरह किए। देन जो ये जो मंदिर है 1970 की सदाई में राजा जय सिंह जो है उदय जयपुर के राजा उन्होंने बनवाया था और उसी के पास एक और मंदिर है मतलब वो पूरा एक ही इसमें 2 मंदिर एक श्री राम भगवान का मंदिर और लेफ्ट में जो है मतलब एंट्री करते राइट में श्री राम भगवान का मंदिर है और लेफ्ट में विष्णु भगवान का मंदिर है जहाँ पे विष्णु भगवान जो है 3 लक्ष्मियों के साथ वहाँ पे है और नीचे गरुड़ देवता का मूर्ति है। सो माँ जी बोले कि आप तुम बहुत लकी हो भगवान की तुम पे कृपा है कि मंदिर खुल रहा है। सो बहुत ही अच्छा लगा और नीचे वहाँ पे एक कुंड है जिसे उसका नाम दामोदर कुंड हाँ दामोदर कुंड करके है सो वो भी अच्छा खासा है बहुत मस्त प्लेस था उसी पे वहाँ पे एक विष्णु लेक करके है। सो ये हमारे बकेट लिस्ट में मतलब नहीं था फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान की कृपा और हम वो भी दर्शन करके आ गए। तो वो मंदिर विजिट करने के बाद हम वहाँ से गए टॉवर चबूतरा जो कि वहाँ का एक बोल सकते हैं कि बहुत पब्लिक जो है वहाँ पे विजिट करती रहती है इवनिंग टाइम पे जो है वहाँ पे अच्छा खासा माहौल होता है और वो जो है ब्रिटिश टाइम से बंधा हुआ है वहाँ पे। सो अच्छा एक बोल सकते हैं कि वहाँ पे उसके आसपास भी ऐसे 3-4 बिल्डिंग्स है ऐसे कंस्ट्रक्शन है जो कि ब्रिटिश टाइम से वहीं पर है और बोल सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे मतलब विजिट टाइम अगर हम बोले तो इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा क्लाइमेट वहाँ पे रहता है। सो बहुत ज़्यादा पब्लिक लेकिन हम लोग सुबह सुबह ही चले गए थे और वहाँ से फिर हम लोग ने जो वहाँ से हम लोग सेकेंड थिंग गए कोठी पैलेस जो कि सिंधिया खानदान का एक मतलब सिंधिया खानदान जो है उनका पैलेस हम बोल सकते वो था और उसे उस टाइम पे कोर्ट वहाँ पे था मीन्स लाइक अभी भी था कोर्ट बट अभी कुछ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है वो भी अच्छा खासा प्रॉपर्टी उज्जैन में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बोल सकते कि सिंधिया खान का बहुत अच्छा खासा प्रॉपर्टी वहाँ पे है मतलब उनके अंडर में सब आता है।
सो कोटी पहले से हम लोग निकले और कोटी पहले से हम लोग गए इस्कॉन मंदिर। मेरे लाइफ का ये सेकेंड इस्कॉन मंदिर था, सेकेंड इस्कॉन मंदिर था जो हमने विजिट किया। फर्स्ट तुमने देखा रहेगा लास्ट व्लॉग में, सूरत का मैंने इस्कॉन टेम्पल विजिट किया था, अगर नहीं देखा तो व्लॉग जरूर देखना। सो ये भी इस्कॉन पूरा ऐसा मार्बल संगमरवर से जो है बना हुआ है और श्री प्रभुपाद जी है उनका मूर्ति है अंदर, जगन्नाथ जो हम कहते हैं जगन्नाथ भगवान का मूर्ति है, श्री राम अपना राधे कृष्णा है, कृष्णा बलराम है और ऐसा अच्छा खासा एक पूरा इतना मस्त माहौल रहता है इस्कॉन, तो हमने ज़रूर विजिट किया रहेगा। सो अलग ही माहौल रहता है वहाँ पे और बहुत अच्छा ऐसा लगता है। सो हम लोग ने वहाँ पे गए और वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया, बहुत ही वहाँ का प्रसाद बहुत ही मस्त था। सो वो हम करके फिर हम लोग वहाँ से गए एक वहाँ के एक इंदौर जाने वहाँ इंदौर वाला जो रास्ता है वहाँ पे महामृत्युंजय द्वार है जो एक उज्जैन की एक अच्छी खासी हम बोल सकते हैं कि एक पहचान या एक लैंडमार्क। सो वो एक वहाँ पे ये है महामृत्युंजय द्वार जिसे कहा जाता है। हम लोग गए त्रिवेणी संगम जहाँ पे तीन शाखा एक साथ आती है। सो अभी यहाँ पे त्रिवेणी संगम करके है जो वहाँ पे आए थे, जहाँ पे ये सामने शनिदेव का मंदिर है, नौ ग्रह का नौ मंदिर है और यहाँ पे जो है वो त्रिवेणी संगम है। और हमारे साथ ये है प्रदीप भाई जो उज्जैन से है और ये हमें इसके बारे में बताया गया कि ये क्या है प्रॉपर करके। सो हाय कीजिए प्रदीप भाई। जय महाकाल सभी को। जय महाकाल। यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं ये है त्रिवेणी, उज्जैन का जो त्रिवेणी नाम से मशहूर है। यहाँ पे त्रिवेणी का मतलब होता है तीन धारा है, तो जो शिप्रा नदी आ रही है उसकी दो धारा है, बीच में टापू बना हुआ है, जो पानी दिख रहा है वो वाला बीच में टापू है, करेक्ट बीच में टापू है। और इस तरफ से आ रही है खान नदी जो कि इंदौर से आई हुई नदी है, तो इन दोनों का यहाँ पर तो संगम होता है वो यहाँ पर त्रिवेणी कहलाता है। okay. जो शनि मंदिर के जस्ट नजदीक है और इसके आगे रामघाट क्षेत्र। और ये वाला बंद क्यों किया? ये वाला बंद इसलिए है क्योंकि ये सीवेज नदी है इंदौर की, तो इसका डाइवर्जन कर रखा था कि जो लोग श्रद्धालु आते हैं शिप्रा नदी में रामघाट उस तरफ नहाने के लिए उनको गंदा दूषित पानी उधर ना जाए, इसका डाइवर्जन करके कांड डाइवर्जन पूरा कर रखा है, इसका सीवेज का काम चल रहा है। काल भैरव के आप जो केडी पैलेस के आगे जाकर इसका डाइवर्जन खोला गया उधर, शिप्रा नदी वापस मिला दिया गया है। ओके धन्यवाद प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया लगा। हमने देखा ये त्रिवेणी संगम बहुत ही अच्छा प्लेस था, वहाँ पे एकदम शांत काम एकदम बहुत ही सही था। और उसके बाद हम लोग का लास्ट पॉइंट था वो था चिंतामन। सो महाकालेश्वर के बाद हमने उज्जैन घूमना स्टार्ट किया बड़ा गणेश मंदिर से और उज्जैन का एंड कर रहे थे हम लोग चिंतामन गणपति के दर्शन से। सो बापा हमारे साथ ही थे, सो हम लोग वहाँ से गए। वहाँ पे एक्चुअली कुछ रास्ता ख़राब था तो हम लोग फिर से घूम के हमको जाना पड़ा 4-5 किलोमीटर। सो हम लोग चिंतामन गणपति गए और वहाँ से दर्शन वगैरह किए। और ऐसे हम लोगों ने फर्स्ट डे से ज़्यादा सेकेंड डे ऑलमोस्ट अच्छे खासे प्लेसेस ऑलमोस्ट 5 से 6 प्लेसेस हम लोग ने कवर किए और बहुत ही मज़ा आया उज्जैन का टूर में। सो तुम भी अगर जाओ तो जाओ, मिस उज्जैन ज़रूर जाना यार, बहुत ही मस्त लगा। और मैं सोच रहा हूँ प्रदीप भाई जल्दी अपन आएंगे। हम लोग का फाइनली उज्जैन का ट्रिप कम्प्लीट हो गया और 1.5 दिन का ट्रिप था हम लोग का, बहुत सारा पॉइंट्स हमने कवर किया और तुमने देखा भी रहेगा ब्लॉग में। तो ये हम इंट्रोड्यूस करवाते आपको, ये है प्रदीप भाई। हाय बोलो भाई। जय महाकाल भाई। जय महाकाल। सो भाई ने हम लोग को पूरा 1.5 दिन में पूरा उज्जैन ऑलमोस्ट तो बहुत जो मेन पॉइंट है सब कवर किया हमने। और बहुत ही बढ़िया लगा इनके साथ घूम के, बहुत मजा आ गया भाई। भाई का ई रिक्शा है, हर नॉर्मल रिक्शे में तो हरी सब लोग ही बैठते हैं अपन, बट ये जरूर ट्राई करना उज्जैन में आओ तो। और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तुम्हें लगे तो जरूर इनको कॉल करना, बट 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना। बिल्कुल उज्जैन आइए, आप बताइए, फोन लगाइए नंबर पर, पूरा प्लान में अपन विजिट करेंगे पूरा जो उज्जैन का है। जैसे एक लोकल ऑटो वाला घुमाता है और जो हम घुमाएंगे उसको बहुत अंदर, आप ब्लॉग में देखेंगे आप भाई के, हाँ पंकज भाई के ब्लॉग में, तो आपको पक्का मालूम पड़ेगा कि कुछ डिफरेंट था, आप बताइएगा। सो बहुत ही मजा आया। और यहाँ पे एक ये है लाइक बोल सकते हो रेस्ट रूम जैसा या वेटिंग रूम जैसा, जो इंडियन रेलवे का ही है। हाँ इंडियन रेलवे का, यहाँ पे तुम फ्रेश वगैरह होना एकदम लाइक टिपिकल एक बोल सकते हो, स्टे वगैरह भी कर सकते हो। सो कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना हमको, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और श्रावण महीना चल रहा है तो आप भी जरूर विजिट करिएगा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय महाकाल।